हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नाश्ता। इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो, हल्की फुल्की भूख में इसे बना के खा सकते हो, 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हो। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ते की रेसिपी है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसे जरूर घर पर ट्राई करें। रेसिपी जरा सी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक बोल में 3/4 कप लेंगे गेहूं का आटा, जो हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा है। इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच तेल। तेल ये हमने लिया है रिफाइंड ऑयल, तो कोई भी तेल ले सकते हो, बस सरसों का तेल ना ले, उसके अलावा जो भी तेल आप खाते हो वो ले सकते हो। 1/4 चम्मच ये हमने अजवाइन ली है, इसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे। स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो साफ हाथों से इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हमें आटा तैयार करना है। आटा किस तरीके का चाहिए वो हम आपको आगे दिखाते हैं, पहले हम इसका आटा रेडी कर लेते हैं। देखिए, आटा हमने रेडी कर लिया है, इसमें हमने कोई गूंदी नहीं लगाई है, बाद में हम आटे को सही करेंगे। अभी इसे इसी तरीके से रख देंगे ताकि आटा हमारा फूल जाए। आटा हमने थोड़ा हार्ड ही रखा है, देख सकते हैं, सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे एक साइड रख देंगे, आगे तैयार कर लेंगे। तो गैस पर हमने पैन लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून काली सरसों, 1 चुटकी हींग, ये हमने ली है, एक छोटे साइज के प्याज जैसे बारीक कट कर लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सभी चीजों को थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ी देर हमने इसको फ्राई कर लिया है, बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सॉफ्ट होने तक ही इसे हमें फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला। चटपटे टेस्ट के लिए आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, नींबू का जूस भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर। तो ये मसाले को हम कुछ सेकंड चला लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, आलू को हमने छील कर मैश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, बच्चे जिस तरीके से तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप तीखा ले सकते हो। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है ना हमारा सारा आलू में अच्छे से लग जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको हमने 1 मिनट मिक्स करते हुए पका लिया है, मसाला अच्छे से पक चुका है हमारा। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज्यादा मजेदार और चटपटी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। गैस को ऑफ कर देना है, इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये हमने एक साफ मिक्सर जार लिया है, इसमें हम 1/2 कप पोहे ऐड कर देंगे, इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, ये पोहे को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब एक कटोरी में हम 2 चम्मच चावल का आटा लेंगे, अगर चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, 2 से 3 चुटकी चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, 4 से 5 बूंद तेल, मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हमें घोल रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल रेडी करना है, एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल देना है, अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी गुठलियां या लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये घोल हमने रेडी कर लिया है, मीडियम घोल ही हमें बनाना है, यानी कि ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। तो जब तक हमने सारी चीजों की तैयारी करी तब तक आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको पहले थोड़ा सा मसल लेंगे। तो आटे को अच्छे से मसलने से जो उसमें एयर होती है ना वो सारी निकल जाती है, तो बस इसको अच्छे से मसल लिया है। अब इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसकी 2 लोई बना लेंगे। अब लोई को लेंगे, इसमें हम हल्का सा आटा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और इसे हमें बेलना है। तो रोटी की तरह ही इसे हम बेल लेंगे। तो ये रोटी को हमने बेल लिया है और देखिए, एकदम पतला ही हमने इसे बेला है। जो हमने स्वादिष्ट चटपटी स्टफिंग बनाई है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो ये मसाले को अच्छे से हमें इसमें स्प्रेड कर देना है। तो हल्के हल्के किनारे से इसको छोड़ देंगे और बहुत ज्यादा थिक लेयर हमें इसमें स्प्रेड नहीं करनी है मसाले की। तो अच्छे से मसाला स्प्रेड करने के बाद अब इसे हमें रोल करना है। तो इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, लेकिन खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। इतना ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनता है ना कि इसके आगे आप समोसा कचौड़ी भी भूल जाओगे। तो इस तरीके से रोल कर लेंगे हाथों से। अब नाइफ की हेल्प से कट करेंगे, पहले आगे का जो हिस्सा है ना उसको हटा देंगे कट करके। तो इस तरीके से 1/2 इंच के पीसेस में हम इसे कट कर रहे हैं। तो एक पीस को लेंगे और इसे इस तरीके से दबा देना है हल्का सा, देखिए इतने अच्छे से बन गया। तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से सारे बना लेंगे। तो ये जो घोल हमने बना के रखा था ना उसको एक बार चला लेंगे। अब एक पीस को हमें लेना है और इसमें हमें इसे डिप करना है, ये देखिए। तो इस तरीके से डिप करने के बाद इसे इसमें से निकाल लेंगे और ये जो हमने पोहे ग्राइंड करके रखे है ना उसमें इसको कोट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कोटिंग के लिए पोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पोहे ऐसी चीज है ना जो हर किसी के घर में होती है। लेकिन अगर आपके पास पोहे नहीं है, ब्रेड है, तो आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना के इसमें कोटिंग कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से कोटिंग हमने कर ली है, सभी की इसी तरीके से कोटिंग कर लेनी है। और आप है ना इस तरीके से इसे कोटिंग करके रख सकते हो, रात को फ्रिज में रख दीजिए, सुबह बस बच्चों को फ्राई करके आपको देना ही होगा, तो बहुत ही आसान है। अब हमने गैस पर पैन में तेल को गर्म कर लिया है, तेल हमने बहुत ज़्यादा कम लिया है क्योंकि कम तेल में ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डिप फ्राई भी कर सकते हो, हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो एक एक करके इनको डालते जाएंगे तेल में। तो फिर सारे पीसेस अभी नहीं फ्राई करेंगे, कुछ बचा लेंगे जिसे बाद में हम फ्राई करेंगे, फ्रिज में रख देंगे इसको कोट करके। गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, थोड़ी देर हमें इसे फ्राई होने देना है। तो थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब इसे हमें पलटना है। तो हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो इसी तरीके से अलग के पलट के हमें इसे फ्राई करना है। और गैस की फ्लेम को ना मीडियम पे रखना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन इसका कलर आ गया है। तो फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो बस इसे तेल से हमें बाहर निकाल लेना है, एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे जैसे कि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए ये नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए, बहुत ही अच्छे से ये खस्ता बना है देख सकते हैं। तो देखिए है ना एकदम खस्ता, और ये जो स्टफिंग है ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, रेसिपी ज़रा सी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको अपने एक नई वीडियो के साथ, अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।